दरियावद पुलिस थाना में प्रतापगढ़ जिले का पदभार ग्रहण करने के पश्चात पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहान ने दरियावद व देवगढ़ थाने का निरीक्षण किया। दरियावद थाने में पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर किया। इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक अमृता दुहान ने थाना परिसर में पुलिस आवासीय क्वार्टर जर्जर क्वार्टर का निरीक्षण किया एवं परिसर में खड़े जब्त वाहन मालखाना पार्किंग सहित आवश्यक जानकारी लेकर दिशा निर्देश दिए। पुलिस उप अधीक्षक अरविंद विश्नोई दरियावद थाना CI कमलचंद मीणा ने क्षेत्र की स्थिति से अवगत कराया। वरिष्ठ पत्रकार गेंदमल पालीवाल ने दरियावद थाना क्षेत्र का अधिक फैलाव होने से ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग जवाहर नगर व केसरियाबाद में पुलिस चौकी खुलवाने की बात से पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहान को अवगत कराया। प्राथमिकता दो तरह से रहेंगी, एक तरह से तो कि हमें अपने जो स्टाफ है उसका व्यवहार कैसा रहना चाहिए, उसका व्यवहार बुजुर्गों बच्चों और महिलाओं के प्रति और स्पेसिफिकली इनके प्रति और ना आम जन के प्रति संवेदनशील और जो अच्छा व्यवहार होता है उस वो रहना चाहिए। साथ में किसी भी आपराधिक गतिविधि में किसी की भी संलिप्तता अगर पाई जाती है तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी। ये है जो उनसे खुद के स्टाफ का जो हमारा खुद का जो स्टाफ है उसके अनुशासन में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। दूसरी जो हमें आमजन को देना है अपराध को कंट्रोल करने के लिए करना है उसमें अपराधियों में भय रहना चाहिए। जो भी अपराधी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी किसी भी तरह से अगर वो आपराधिक गतिविधि में संलिप्त है पाया जाता है तो उसके साथ कोई भी आप ढिलाई नहीं बरती जाएगी और सख्त से सख्त कदम लिया जाएगा। आज नहीं वर्षों से हम देख रहे हैं एक ये दरियावद थाना क्षेत्र उपखंड का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। ये मैंने आके देखा जी, इतना बड़ा क्षेत्रफल है यहाँ से।